हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप सबके लिए बहुत ईजी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको कि मैं अक्सर घर पर बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा इस रेसिपी को भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप पास्ता। तो मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ऑयल डालने से पास्ता हमारा बहुत ही बढ़िया बनता है, एकदम बिखरा बिखरा सा। इसको उबालते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस बात का ध्यान रखें इसको ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका अच्छे से निकल जाए। आप चाहें तो इसको थाली में डालकर स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसकी जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप कटा हुआ प्याज और 1/4 कप इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और 1/4 कप ही इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर और 1/4 कप ही इसमें स्वीट कॉर्न से ऐड करेंगे। 1 से 2 इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सारी सब्जियों को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लेंगे और अब आधी छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं। और 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली सॉस और 2 चम्मच इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे। और आधी छोटी चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे उबला हुआ पास्ता। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर टेस्ट के लिए हरा धनिया ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डालें, नहीं तो रहने दें। अब 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए वेज पास्ता हमारा बनकर रेडी है, इसको कर लेते हैं सर। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।